अ वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूज ऑफ द चैनल एजुकेट डॉट कॉम। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। प्यारे बच्चों, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एग्ज़ाम्स चल रहे हैं आप लोगों के, और होप आपके एग्ज़ाम्स जो हैं बड़ी अच्छे ढंग से हो रहे हैं, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशंस थी उनकी सरलार्थ में आपको वीडियो चैनल ने बताया, और आप बिल्कुल अब बढ़िया ढंग से एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज आप सोच रहे होंगे कि सर आज हमें क्या बताने वाले हैं। आज एक गुड न्यूज़ बताने लग रहा हूँ प्यारे बच्चों, मेरे फैमिली मेंबर्स। ये गुड न्यूज़ ये है कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जैसे कि कई वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, डेली वीडियोस बना रहा हूँ, कि आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ओपन होने जा रही हैं। तो लगातार बच्चे संपर्क में हैं, लगातार कॉल्स करते हैं, लगातार कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि हमारे कॉलेजेस सर कब ओपन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम तीनों यूनिवर्सिटीज़ की, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला की, और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की, तीनों की बात इस वीडियो में करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्यारे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। कर लिए चैनल सब्सक्राइब, अब हम आगे बढ़ते हैं, इस न्यूज़ को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी की चंडीगढ़ के अंदर रिसर्च स्कॉलर्स की कोई छुट्टी नहीं की गई थी, वो अपना रिसर्च वर्क अभी भी कर रहे थे कोविड के दौरान। जब यूनिवर्सिटीज़ बंद की गई तो उनको जारी रखा गया। अब जैसे कि एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले हैं, तो यूजी के बच्चों को मार्च के एंड तक बुलाने की बातचीत चल रही है, मार्च के एंड तक बातचीत चल रही है। लेकिन पीजी वाले जो बच्चे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, उनको यूनिवर्सिटी मार्च के फर्स्ट वीक में बुला लेगी। तो अभी क्योंकि फरवरी का महीना, आप जानते हैं एग्ज़ाम्स हैं, तो एग्ज़ाम्स में तो यूनिवर्सिटी खोलने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन मोड से हो रहे हैं। पीयू के बाद हम बात करते हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की। पटियाला का भी सीन ऐसे ही है। वैसे तो हालांकि नोटिस आया था कि जो सेकंड सेमेस्टर है वो आपके ऑनलाइन मोड से होंगे, लेकिन जैसे कि हालात बने हैं, अब यूनिवर्सिटीज़ ओपन करने का लेटर सरकार ने जारी कर दिया है। एसओपीओ को ध्यान में रखते हुए, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो उनको कॉलेजेस में बुलाया जाएगा। क्योंकि जो पढ़ाई है वो ऑफलाइन ही समझ आती है, जैसे कि मैं अपनी एक वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, उस वीडियो को भी देखें। वो अमेरिका के एक रिसर्च कंपनी ने उसका दावा पेश किया है, इफ़ेक्ट्स बताए हैं किस तरीके से स्टूडेंट्स के मेंटल स्ट्रेस के ऊपर बात की गई है। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स के तुरंत बाद पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला भी ओपन हो जाएगी। और अब रह गई लास्ट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, उनके भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उनके एग्ज़ाम थोड़े से लेट शुरू हुए और लेट ख़त्म होंगे। तो जैसे ही उनके भी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, तो आपके भी यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएंगी। क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक वीडियो मैंने अभी अपलोड कर रहा हूँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आ गया है, वो कल से ओपन करने की बातचीत रख दी गई है। तो पंजाब सरकार की तरफ से अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा। जो कॉमन नोटिस है उसमें तो ये बात कह दी गई है कि 1 तारीख से ओपन कर दिया जाए, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटीज़ लेटर कब डालती है, अपने साइट पर डालती है, तभी उसको हम ऑफिशियली मानेंगे। जैसे कि लाइब्रेरी को 50% से ओपन करने की बात रखी गई है। तो ये थी एक स्पेशल अपडेट उन तमाम बच्चों के लिए, जो बच्चे हमारे पंजाब के अंदर पढ़ रहे हैं और पंजाब के कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं, और उनके लिए सबसे पहली ये जानकारी अब तक पहुँचा रहा हूँ। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ एजुकेट डॉट कॉम। धन्यवाद।